गूगल ने टेक्निकल चीज़ों के अलावा कंटेंट के ऊपर भी गाइडलाइंस अपनी लिखी हुई हैं कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को बेहतर करेंगे। मैं आपको कुछ मेन टिप्स बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें गूगल फोकस करता है। इसमें सबसे पहले गूगल का पॉइंट है कि पेजेस अपनी वेबसाइट के बनाएं यूज़र्स के लिए, गूगल के लिए नहीं। तो वो ये कहता है कि आप इंसानों के लिए पेजेस बनाएं, सर्च इंजन के लिए पेजेस ना बनाएं। अगर आप लोगों को फोकस करेंगे सर्च इंजन ऑटोमेटिकली आपको रैंक करेंगे। तो बड़ी वजाहत कर दी है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। अक्सर SEO भी इस धोखे में रह जाते हैं, अक्सर क्लाइंट्स भी बड़ी अनरियलिस्टिक सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं आपसे या मार्केटर से या SEO एक्सपर्ट से कि भाई हमें तो ये चाहिए, हमें फोकस नहीं करना। गूगल खुद कह रहा है कि आप यूज़र को फोकस करें, सर्च इंजन को फोकस ना करें। पेजेस आपके सर्च इंजन के लिए नहीं, यूज़र्स के लिए बनने चाहिए। ये बड़ा क्लियर मैसेज है और इसमें मेरे ख्याल से कोई बात उसने सारी ख़त्म कर दी है इस एक पॉइंट के अंदर कि अगर आपके यूज़र स्पेसिफिक कॉन्टेंट नहीं है, पेजेस नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पूरी चीज़ का। दूसरा पॉइंट, गूगल ये कहता है कि डोंट डिसीव योर यूज़र्स, अपने यूज़र्स को चीट मत करें, उनको धोखा देने की कोशिश मत करें। अक्सर आप देखते हैं कि कोई रैंडम सी सेल्स लगा देते हैं अक्सर वेबसाइट के लोग आएंगे और आके देखेंगे, या डिफरेंट कोई ऐड डिफरेंट दिखाया जाता है या कुछ मैसेज डिफरेंट दिखाया जाता है और वो रिजल्ट कुछ और होता है, सर्च में कुछ और पेज बना हुआ होता है और लिखा टाइटल कुछ और होता है, कंटेंट कुछ और होता है। ये सारे धोखा देने वाली चीज़ें हैं। अगर गूगल ने आपको पकड़ लिया, गूगल आपको बड़ी सख्ती से पेनल्टी डालेगा इस चीज़ के ऊपर। वो कहता है कि आप यूज़र्स को अपने धोखा मत दें, अगर आप यूज़र्स को धोखा देंगे गूगल आपसे फाइट लेगा। तो गूगल यूज़र्स की साइड पर है, तो अगर आप यूज़र्स को फोकस करेंगे गूगल भी यूज़र्स को फोकस करेगा। उसके बाद वो ये कहता है कि तीसरा पॉइंट ये है कि आप ट्रिक्स जितने भी हैं जो आपकी रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे, वो सारे के सारे ट्रिक्स आप छोड़ दें। सो बड़ी क्लियर वार्निंग है ये भी कि अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे जो आपकी रिसर्च रैंकिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो गूगल आपको वो अलाउ नहीं करेगा। सो बेसिकली इन शॉर्ट, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने कोई भी दो नंबर काम नहीं करना, क्योंकि आप गूगल से एक दफ़ा बच जाएंगे, दूसरी दफ़ा बच जाएंगे, तीसरी दफ़ा शायद पकड़े जाएँ। जब आप पकड़े गए तो वो आपकी सारी मेहनत जो कुछ महीनों की कुछ सालों की थी वो ज़ाया हो जाएगी। तो अक्सर लोग बड़ी ब्लैक हैड टेक्निक्स यूज़ करते हैं और वो क्लाइंट्स को भी वादे करते हैं कि जी हम आपको 6 महीने में रैंकिंग दे देंगे। क्लाइंट भी बड़ी अनरियलिस्टिक सी अप्रोच लेके आते हैं कि भैया आप कितने कीवर्ड्स पे काम करोगे और क्या रिजल्ट आएगा, ये कौन बता सकता है, ये कोई भी नहीं बता सकता। सो गूगल खुद ये कहता है कि आप ऐसे कोई ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे जो सर्च रैंकिंग को बेहतर करने के लिए या सर्च रैंकिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आपको याद रखें कि मैंने आपको डे वन से ये बता रहा हूँ कि गूगल के लिए सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये करने में कामयाब हो गए और गूगल ने अगर आपको ये करने दिया, तो गूगल गूगल नहीं रहेगा। गूगल का अगर सर्च इंजन मैनिपुलेट हो गया लोगों से, तो गूगल अल्टीमेटली एज अ सर्च इंजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो रैंकिंग में सिर्फ वही लोग ऊपर आना शुरू हो जाएंगे जो अच्छी SEO करते हैं। गूगल की न्यूट्रैलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो गूगल ने पूरा एक महाज खड़ा किया हुआ है उन लोगों के खिलाफ जो गूगल की रैंकिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि एथिकल रहें, प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस फॉलो करें, गूगल ऑटोमेटिकली आपको ऊपर ले आएगा। तो इससे अच्छी बात ही नहीं है कि आपको एक नंबर तरीके से आपको गूगल रैंक कर रहा है, दो नंबर करने की ज़रूरत क्या है, जो कि ईमान के लिहाज से भी गलत है, जो कि गूगल के लिहाज से भी गलत है, और लोग भी आपको इस बात पर बुरा भला कहेंगे। तो एक गूगल बड़ा इंटरेस्टिंगली एक सवाल पूछता है कि आप ऐसा कोई भी काम जिसको आपको बताने में शर्म आए, जो आप अपनी वेबसाइट के लिए या किसी दूसरे की वेबसाइट के साथ करते हैं, वो सारे काम आप ना करें। मतलब ये कि आप ऐसे कोई भी काम जो आपको बताते हुए भी शर्म आ रही हो, या गूगल को एम्प्लॉई आपसे पूछे कि आपने रैंकिंग कैसे ली है, या दूसरे की रैंकिंग आपने उसको ख़राब करने के लिए क्या किया है, अगर आपको उसको बताते हुए झिझक महसूस होगी, शर्म आएगी, अनकम्फर्टेबल आप फील करेंगे, इसका मतलब ये कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो काम करें जो आप किसी को बता भी सकें, वो काम ना करें जो आप किसी को बताने के शर्म महसूस करें। फिर गूगल ये कहते हैं कि अपने कॉन्टेंट को यूनिक बनाएं। तो जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपने यूज़र को देखना है किस तरह से आप यूनिक हो सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करेंगे, वो वैल्यू जो आपके कस्टमर को चाहिए वो क्रिएट करें और अपने कंपेटिटर से डिफरेंट हट के कुछ करें। तो अक्सर लोग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि जी ये ठीक है, उस्मान की वेबसाइट अच्छी है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, तो हम भी वही कर लेंगे जो उस्मान कर रहा है, तो हम भी ऊपर आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि गूगल देख चुका होगा कि उस्मान ने वेबसाइट पहले लगाई थी, तो अब आपने बाद में लगाई है, या आपके कंपेटिटर एक ने अच्छे कंटेंट लिखा था आपने बाद में लगाया, तो गूगल आपको पेनल्टी डालेगा उसको नहीं, क्योंकि उसका कंटेंट पहले इंडेक्स हुआ था, आपका बाद में इंडेक्स हुआ था। सो इसी तरह से अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा और आपका कंपेटिटर उसको कॉपी करता है, तो गूगल उसको पेनल्टी डालेगा, क्योंकि आपका कंटेंट पहले इंडेक्स हुआ था और आपने पहले अच्छा लिखा था। तो गूगल ये कहता है कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करें। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये है
कि आप डिफरेंशिएट क्रिएट करें, आपकी यूनिकनेस क्या है, क्यों आप बेहतर हैं, क्या आपकी खासियत है जो बाकियों में नहीं है। हर चीज़ की, हर एक की अपनी खासियत होती है। अगर आपके अंदर आप में भी वही खसूसियात हैं जो दूसरे में खसूसियात हैं, जो बाकी 10 वेबसाइट में खसूसियात हैं, तो मैं क्यों आपके पास आऊँगा, मैं बाकियों पर क्यों नहीं जाऊँगा। तो वो खसूसियत क्या हो सकती हैं, वो आप सस्ते हो सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, आप डिफरेंट हो सकते हैं, आप यूनिक हो सकते हैं, आप यूज़र फ्रेंडली हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बेहतर बनाती हैं। और अब आपने देखना है कि आपके बिज़नेस किस तरह का है और आप टेक्निकली या डिजिटली आप कैसे अपने आप को यूनिक बना सकते हैं। ये चीज़ें बिज़नेस परस्पेक्टिव से भी बड़ी मैटर करती हैं कि आप ना सिर्फ वेबसाइट की बात हो रही है बल्कि बिज़नेस सर्विसेज की भी बात हो रही है। आप कैसे सेम चीज़ें डिफरेंट एंगल से दे सकते हैं, आप क्या एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे हैं, आप क्या एक्स्ट्रा यूज़र वैल्यू दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगेन गूगल बड़ा ब्रॉड या ओपन एंडेड ओपिनियन देता है। इसमें हमें क्लैरिटी नहीं है कि गूगल स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वो कहते हैं कि जी आप यूज़र फ्रेंडली बनाएं, आप यूनिक करें, तो यूनिक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब यूनिकनेस के आइडियाज़ अगर आप लिखने बैठे हैं तो आप हज़ार तरीक़ों से यूनिक हो सकते हैं कि आप डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें मेहनत करने को तैयार हैं। और ये सारी चीज़ें अगेन आप इस लिंक्स पे जाके मज़ीद पढ़ सकते हैं, आपको इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट मिलेंगे। मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बताए हैं। ये गूगल खुद कहता है कि यूज़र को हेल्प करें, यूज़र को आप हेल्प करेंगे तो गूगल आपको हेल्प करेगा।